नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। लखीमपुर मामला जनपद लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ तहसील के आने वाले ब्लॉक बाकेगंज क्षेत्र के ग्राम बाबूपुर ग्रंट नंबर 11 का है, जहां गांव के ही ग्रामीणों ने प्रधान पर अवैध धन वसूली जैसे आवास व शौचालयों को दिलाने के नाम पर अवैध धन वसूली का आरोप लगाया है। कई ऐसे लोग जो सरकारी मानक की पात्रता रखते हैं अत्यंत गरीब हैं, उनको आवास तो दूर शौचालय की सुविधा तक नहीं मिल रही। आज भी ब्लॉक बाकेगंज के कई आने वाले क्षेत्रों में महिलाओं को शौच करने के लिए खुले में जाना पड़ता है, क्योंकि लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब होने की वजह से आवास व शौचालय बना पाने में असमर्थ हैं। वहीं बता दें कि ग्रामीणों के द्वारा मिली जानकारी में बताया कि ग्राम प्रधान के द्वारा शौचालय देने के नाम पर 1 से 2 हजार रुपए की मांग करते हैं। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों ने बताया कि गोला बाकेगंज मुख्य मार्ग से सटे गांव प्राथमिक विद्यालय बाबूपुर को जाने वाले मार्ग का निर्माण कार्य काफी दिनों से अधूरा पड़ा है, जिससे बारिश होने पर स्कूल को जाने वाले बच्चों को बारिश के चलते जल भराव के कारण आए दिन काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या मामला है? यहाँ बहुत परेशानी हो रही है। अच्छा, कितना रास्ता करीब बना है, कहाँ से कहाँ तक? आधा किलोमीटर रह गया है। आधा किलोमीटर रह गया है, अधूरा पड़ा है। अधूरा कितने दिनों से? लगभग लमसम हो गया है, इलेक्शन के पहले। इलेक्शन के पहले? अच्छा, क्या दिक्कत हो सकती है अगर बने ना? आने जाने में परेशानी। अच्छा, बारिश में? बारिश में तो पानी भर जाता। अच्छा, निकलना दो बार हो जाता है? दो बार हो जाता है, आने जाने में परेशानी हो जाती। अच्छा, उत्तम कुमार कहाँ के निवासी हो? बाबूपुर के। अच्छा, क्या समस्या है गांव को लेकर? यहाँ गांव को लेकर ये समस्या है सर, आधे शौचालय बने हैं आधे नहीं बने हैं। अच्छा, ठीक है, कुछ शौचालय पे लिंटर पड़ा है, कुछ पे नहीं पड़ा है। किसी के पास पेवर बालू लगवाए हैं, उनसे पैसे भी लिए हैं। अच्छा, कितने पैसे लिए? पैसे 1000-1000 रुपए लिए हैं। किसने लिए? किसने लिए? जो बनवाने आते हैं, जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है वो वही पैसे लेते हैं। अच्छा, किसके कौन जिम्मेदार? मतलब इसके जिम्मेदार प्रधान है, और कौन होगा? कौन है ग्राम प्रधान? ग्राम प्रधान सोना श्री है। ये कौन सा लगता है क्षेत्र? ये ग्रंट नंबर 11 है। ग्रंट नंबर 11। अच्छा, ब्लॉक कौन सी है? ब्लॉक बाकेगंज। अच्छा, यहाँ पर ऐसे कितने लोग होंगे करीब जिनके शौचालय और आवास नहीं बने? यहाँ पर ऐसे लमसम 100 में से 40% हैं जिनके शौचालय और आवास नहीं बने हैं। अच्छा, अधूरे पड़े होंगे। हाँ, अधूरे पड़े। अच्छा, पैसा कितना कितना लिया जाता है किस पर? पैसा एक शौचालय पर सर 2000 रुपए ले लेते हैं। 2000 रुपए? अच्छा, प्रधान लेते हैं या कोई और उनके कोई साथी? सर, प्रधान के कार्यकर्ता लोग लेते हैं। अच्छा अच्छा, ये रोड को लेकर कहाँ पर समस्या है? रोड को लेकर ये समस्या है सर, आधी रोड बनी है, आधी रोड पर राम रहते हैं। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? बाबूपुर। क्या समस्या है आपकी? समस्या यह है सर, ना लैट्रिन बने है ना कोई आवास है। अच्छा, फिर कैसे गुजर बसर करते हैं? गुजर बसर कर हमारे पास 9 बीघा जमीन है, तो वैसे पेड़ बड़े कटप है। अच्छा, खेती वगैरह करते हैं? हाँ, खेती करते हैं। अच्छा, प्रधान से कहाँ आपने? नहीं, प्रधान से कहा, जब गरीब ना हमसे गरीब है उसी ना समझे तो हमारी का सुनी दी। अच्छा, प्रधान आपसे भी गरीब है? हाँ, अरे प्रधान तो बहुत पैसा वाले आदमी है। अच्छा, कितने दिन हो गए कहे आपको? कहे का 2 साल पहले कहे हैं। हाँ,
नाम वगैरह नहीं आया कुछ क्या सूची में? हाँ भाई ना आया, जितने लोगों ने आया रहा बन गया है। अच्छा, और हम लोगों को दोबारा नहीं बना है। अच्छा अच्छा, यह मोहल्ला के। अच्छा, खबर समय जगत के लिए लखीमपुर खीरी से विमलेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश।